है एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज बूस्ट। मैं हूं प्रतीक। आज के वीडियो में बात करेंगे कॉमेट के 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं इस एग्जाम के बारे में। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उन अब इस वीडियो के अंदर हम उसे कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर कॉमेट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो या फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। वहाँ पर अपने डाउट भी आप पूछ सकते हो या फिर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। पहली क्वेश्चन है हमारे कि कॉमेट की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है एंड कब खत्म हो रही है। तो कॉमेट की रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो चुकी है 14 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुकी है एंड आपको एंड होने वाली है 2 मई 2022 तक। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपके पास पूरी अप्रैल की टाइम है, आप पूरे अप्रैल में उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कॉमेट की वेबसाइट cometk.org के ऊपर जाकर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे कि कॉमेट के एंड कॉमेट के प्लस यूनिकॉज क्या होती है। ठीक है, ये आप बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं और कंफ्यूज होते हैं कॉमेट के एंड कॉमेट के यूनिकॉज के ऊपर। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछता होगा, कॉमेट के एंड कॉमेट के यूनिकॉज, एंड दोनों की फीस आपको अलग अलग है। अगर आप सिर्फ कॉमेट के फॉर्म को फिलअप करते हो, अगर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, तो उसकी प्राइस है आपको 1800 रुपीज़। एंड अगर आप कॉमेट के प्लस यूनिकॉज एग्जाम को सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्राइस है अभी आपको 2950 रुपीज़। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो यार, कॉमेट के अंदर ये होता है कि अगर आप सिर्फ कॉमेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो कॉमेट के अंदर आप सिर्फ कॉमेट के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि कर्नाटका के अंदर आती है, कर्नाटका स्टेट्स के अंदर, उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर। लेकिन अगर आप कॉमेट के प्लस यूनिकॉज सिलेक्ट करते हो तो इसके अंदर आप कॉमेट के कॉलेजेस के अंदर तो एडमिशन ले सकते हो कर्नाटका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन आप यूनिकॉज के कॉलेजेस जो होती हैं, यूनिवर्सिटी जो होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि यूनिकॉज के अंदर आती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ कर्नाटका नहीं, बाकी आपको इंडिया में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रजिस्टर की गई हैं आपको यूनिकॉज के अंदर, उसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है आपको कॉमेट के एंड कॉमेट के यूनिकॉज के अंदर। अगर आपको सिर्फ कर्नाटका के अंदर एडमिशन चाहिए तो सिर्फ आप कॉमेट के को फिलअप कर सकते हो। अगर आपको बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में चाहिए, अगर इंडिया के अंदर ही कर्नाटका के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप यूनिकॉज को भी फिलअप कर सकते हो। अगली क्वेश्चन है हमारे कि कॉमेट के एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होती है। तो कॉमेट के आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, इसकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। यहाँ पर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के अंदर आपको 60 क्वेश्चन आती है, टोटल आपको 180 क्वेश्चन होती हैं, जहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप किसी भी आंसर को करेक्ट करते हो 180 क्वेश्चन में से, तो आपको हर करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क मिलती है। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो कि एक अच्छी एंड पॉजिटिव पॉइंट है आपको इस एग्जाम के अंदर। एंड यहाँ पर आपको देखोगे तो बहुत सारी आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि आपको कॉमेट के एग्जाम के अंदर मिलती हैं, अराउंड 180 या 190 प्लस आपको कॉलेजेस हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पर जो आपकी मीडियम होगी एग्जाम की पेपर की कंप्यूटर के अंदर, वो आपको इंग्लिश होगी। अगले क्वेश्चन है हमारे कि टाइम स्लॉट्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन से शिफ्ट में आप एग्जाम दे सकते हो कॉमेट के। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कॉमेट के एग्जाम आपको 19 जून 2022 को होने वाली है। यहाँ पर आपको दो शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने वाली है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर। मॉर्निंग शिफ्ट जो कि आपको 9 to 12 होती है, जो आपकी आफ्टरनून शिफ्ट होती है वो है आपको 2:30 to 5:30 PM। अगली क्वेश्चन है हमारे कि सिलेबस क्या होने वाली है आपकी कॉमेट के एग्जाम के अंदर। तो कॉमेट के एग्जाम के अंदर जो आपकी क्लास 11th एंड क्लास 12th की सिलेबस होती है CBSE के अंदर, वो आपको सेम आपको सिलेबस कॉमेट के अंदर होने वाली है। पिछले साल आप वहाँ पर कोविड के कारण इन्होंने कुछ सिलेबस को रिड्यूस भी किया था, लेकिन इस साल ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्लास 11th एंड क्लास 12th CBSE की जो आपको सिलेबस होती है नॉर्मली, वो सेम सिलेबस आपको कॉमेट के की भी होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि स्पेशल वीडियो बनाओ मैं सिलेबस के अंदर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कहाँ से आप इसे जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप कॉमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी बता सकते हो कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम इस वीडियो को आपको अपने चैनल कॉलेज बूस्ट के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगली क्वेश्चन है हमारी क्या SC ST एंड OBC जो कैटेगरी होती है, अगर वो कर्नाटका स्टेट के बाहर किसी और स्टेट से है तो क्या उसको वहाँ पे कास्ट बेनिफिट मिलता है। तो देखिए यार, यहाँ पे अगर आप किसी कर्नाटका स्टेट के बाहर हो, SC ST या OBC हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप नॉर्मली जनरल मेरिट कैटेगरी के अंदर ही आने वाले हो अगर आप किसी और स्टेट से हो कर्नाटका के अलावा, तो यहाँ पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल एज अ जनरल मेरिट कैटेगरी, सब कैटेगरी एक ही है यहाँ पर अगर आप कर्नाटका स्टेट से बाहर हो तो। यहाँ पर मैं आपको एक अपने तरफ से बहुत अच्छा एडवाइस देने वाला हूँ जो कि आपको फॉलो करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो बच्चे फिलअप कर रहे हैं कॉमेट के की, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, वो कोई भी गलती ना करें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम कॉमेट के अंदर हैं, हमारे कॉलेज बूस्ट वीडियो अपलोड करते रहती है कॉमेट के अंदर, हमने काउंसलिंग की है बहुत सारी, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग की है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म में बच्चे कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, कभी आधार नंबर गलत कर देते हैं वो, या फिर अपने मदर का नाम, फादर का नाम उन गलती से मिस्टेक कर देते हैं, या फिर अपने नाम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं वो, तो आगे चलकर उन्हें काउंसलिंग टाइम में प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ मेक श्योर करो कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो कॉमेट की, तो हर एक चीज़ को देख कर एंड सही तरीके से फिलअप करो, कोई भी चीज़ आप गलत फिलअप ना करो, कि उसे
अगर आप कभी चेंज कराने की बात आती है आगे चलकर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया, आपने फिलअप करके रखा हुआ है, आपने पेमेंट नहीं की, तो कुछ भी आप एक बार उसे रीचेक कर लो, या फिर अच्छे से फिलअप कर रहे हो तो एकदम सही तरीके से फिलअप करो कि कभी भी आप कोई उसमें अभी मिस्टेक ना करो, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये चीज़ का ध्यान रखें। अभी हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे कॉमेंट के ऊपर, कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हो हमें, हम उस पर वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।